ये चाहते हैं कि जो ये अग ठंडी हो जाएगी, पंजाब चोणा खत्म हो जाएगा, असी एनडीए का क्या की साथ देवे दोबारा फिर असी मंत्री पद की अहदे की पद मतलब अहदे की सहु चुक लवेंगे। सो ये मूर्ख बना कई बार होया है। Rasip, I'm not calling it anti-pharma, it's the farmers who are calling it that. So let's get that clear. वो कहने कि मैं नहीं कह रही कि ये एंटी फार्मर है, किसानों के खिलाफ ये जिहड़ा बिल है, ये कौन कह रहा है? कहने किसान कह रहे हैं 95-97% लोग खेती ते निर्भर हैं। और आज मैं ये भी दसना चाहना कि मोदी जी का तानाशाही रवैया रात में नोटबंदी लागू कर दी गई और अनाउंस कर दिया गया कि 500 रुपए का नोट आज रात के बाद नहीं चलेगा। इवन कि हरमंदर साहब ते कड़ा प्रसाद ते भी जीएसटी लागू। तुसी वेखे होना सुखबीर सिंह बादल जरा यूटर्न मार रहा है, पहला कुछ और कह रहा है, कहना कि मैं बिल पढ़िया, सानू पता है इस कोई ऐसी गल, फिर क्या सानू पूछे ही नहीं गया? धर्मपत्नी ने, बीबी हरसिमरत कौर बादल ने साइन किए उस ऑर्डिनेंस से, जान गुरुद्वारा हरिमंदर साहब ते कहन असी साइन नहीं किए, साइन किए हैं तो फिर इस्तीफा क्यों देता? जब साइन ही ना कर दे ते जा फिर इस्तीफा ना दे। आदरणीय हरसिमरत कौर बादल जी ने इस्तीफा देता ते नाल दी नाल ही घंटे बाद सुखबीर सिंह बादल का बयान आया कि असी एनडीए दे नाल रहांगे। दरअसल सच तो यह है कि मोदी सरकार स्टेट मंडी बोर्ड को खत्म करना चाहती है। सत श्री अकाल दोस्तों, की हाल है? ठीक ठाक हूं। होर की हो रहा है? सब करे परिवार तंदुरुस्त होएगा मैं उम्मीद कर रहा हूं। सो दोस्तों, आज आप लैंड ऑर्डिनेंस की गल करनी, यानी कि जेड़ा किसानों के खिलाफ काला कानून बनाया गया है मोदी सरकार वालों, वो की है काला कानून और आने वाले समय चे सिटे की होंगे, ये थानू दसना चाहता। और ये केवल किसानों की गल नहीं कर रहा, मैं आपकी भी गल कर रहा क्योंकि मैं भी एक किसान हूं और तुम भी सब लोग किसान हो। सो कृपा करके हर उस नौजवान, हर उस बुजुर्ग, हर उस मेरी भैन बेनती करनी चाहना है कि तुसी इस मुद्दे ते गौर फरमाओ, क्योंकि ये आने वाली पीढ़ियां नाल जुड़िया हुआ मुद्दा है, आने वाली पुश्तां नाल जुड़िया हुआ मुद्दा है, क्योंकि किसानी हालात अगे बहुत बदतर है, नहीं तो बर्बाद हो जावांगे जिस तरह के हालात सरकार चला रही है। सो ये ना समझो कि मेरा तो कोई किसानी नाल तल्लुकात नहीं, क्योंकि मेरे बाप की तो दुकान है, मैं तो चंडीगढ़ पढ़ता है, या मेरे बाप की कोई फैक्ट्री है, या कोई होर धंधा है, हर चीज पंजाब के अंदर 95-97% लोग खेती ते निर्भर हैं, सीधे या असिधे। जे किसी की कॉटन फैक्ट्री है शहर के, जे नरमा होगा
तादोरी फैक्ट्री चलूगी, अब ये बच्चे परवार हो गए तां पढ़ना। जे किसी का करियाना स्टोर है उरा करियाना तां विकेगा, जे किसान दी फसल चंगी होगी ते वह लेके जाए। कहन दा भाव हर चीज एक दूजे दे नाल जुड़ी हुई है, किसानी दे नाल जुड़ी हुई है, चाहे वह आड़ती है, चाहे वह शैलर वाला है, चाहे वह कॉटन फैक्ट्री वाला है, चाहे कोई किसी का टैक्सी का काम है, चाहे किसी का बसा का काम है, चाहे कोई काम है, क्योंकि जो किसान के कोई पैसे होंगे, चाहे वह मैरिज पैलसा का काम है, तो तद काम चलेगा, नहीं नहीं चलेगा। सो इस करके मैं तमाम लोगों, ना केवल किसान, मैं पंजाब के हर बच्चे बच्ची नौजवान और जो किसानी खेती नहीं करते और जिन्होंने नहीं पता कि किसान किवें खेती करता है, उन्होंने ये दसना चाहना है कि यह बड़ा खतरनाक कानून लिया जा रहा है। आओ रल मिल के असी सब लोग इकट्ठे होकर इस कानून के खिलाफ लड़ाई लड़िए, ता जो इस बिल नू, इस कानून नू पंजाब दे विच लागू ना हो। और अज मैं यह भी दसना चाहना कि मोदी जी का तानाशाही रवैया हमेशा ही जिहड़ा रहा है, उस तानाशाही, चाहे वह डीमोनेटाइजेशन सी, यानी कि नोटबंदी, रात नूं नोटबंदी लागू कर दी गई और अनाउंस कर दिता गया कि 500 रुपए का नोट आज रात के बाद नहीं चलेगा। असी रौला पाया, कांग्रेस पार्टी ने बड़ी लड़ाई लड़ी, ईवन कि राहुल गांधी लाइना च लग के लोगों को सुचेत करना चाहते सी, वड्डियां वड्डियां लाइना लग गई, लोग बैंकों के बाहर बैठे रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने आपके दिमाग की चाल चलदिया होया ये गल कही कि मेरे को 50 दिन चाहिए, मैं इस देश में सब एक जैसे लोग कर दूंगा। गरीबों ने सोचा, किसानों ने सोचा कि हमारे पास भी पैसा आ जाएगा, काला धन मैं इकट्ठा कर लूंगा, निकाल लूंगा। लेकिन क्या हुआ, 150 से ज्यादा लोगों की लाइनों में खड़े मौत हो गई, लेकिन लोगों ने मोदी जी की बात को माना क्योंकि देश के प्रधानमंत्री थे। लेकिन हुआ क्या, नतीजा क्या आया कि वो 150 लोग मर गया। नोटबंदी से इस देश की अर्थव्यवस्था खराब हो गई, मर गई, डूब गई। हुण भी जिहड़ी GDP है वो -23% है, यानी कि -23% इस देश का इतना माड़ा हाल हो गया। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि हुण मैं GST लागू कर दें, रात को GST लाती, हर चीज से GST, किसान दिया फसलों तो फसलों छड़ के किसान दे इंप्लीमेंट जिहड़े संद लैंदा किसान उन्हां ते GST, ईवन की हरमंदर साहब ते कड़ा प्रसाद ते भी GST ला। फिर वह रौला पिया, पंजाब ने इत्थे GST माफ करता, फिर उन्होंने भी कहता भी असीं माफ करांगे। हर चीज महंगे वल चल पई, कई चीजां ते GST लग के आउंदा, सोवेरा खमिया जा भुगतना पिया, कोई वड्डी गल नहीं। फिर सिटीजनशिप बिल लागू करता। सो इस तरह की आदत है नरेंद्र मोदी जी को इस तरह की हरकत करने की, उन्होंने मन च मैनू लगता कि हिटलर की तरह उन्होंने मन च है कि देश का प्रधानमंत्री तो मैं बन गया, लेकिन हम लोग याद करन कि मेरे जमाने च नोट, मेरे जमाने च सिटीजनशिप बिल आया जिहदे नाल देश निरंतर थले जा रहा। लेकिन सानू लोगों को समझ की लोड़ है, ना केवल भाई और बहनों और मित्रों खाली यहोजियां गल्लां सुन दी लोड़ है। लो हुण मैं गल करदा पते दी, अज जो काला दिन है, मैं इहनू काला दिन कहांगा किसानां दे वास्ते, किसानां दे आउण वालीआं पीढ़ियां वास्ते। अज ये बिल नू राज्य सभा दे विच बिना वोटिंग कराए, पहला लोक सभा च ते बिना वोटिंग कराए जल्दी जल्दी पास कर दिता गया। तो पूछा गया जिहड़े हक च है हाँ कहन, जिहड़े ना कहन ते उह पास कर, जिहड़ा कि डिस्कशन होनी चाहिए सी, इस लोगों तो पूछा जाना चाहिए सी, हर सूबे के लोगों तो लीडर तो उन्होंने विचार सुनने चाहिए सी।
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੇ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਉਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਜਾਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਵਾਲਾ ਚੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੋਲ ਸੱਚੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸੋ ਗੱਲ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਦੇਖਿਆ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਈ ਗਈ ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਫਿਰ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਮਰਜੀਵੜੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਚੀ ਚੀ ਖਟਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਵੀ ਲਊਂਗੀ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹੂੰਗੀ ਜਦੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਆਦਰਣੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ NDA ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ ਪਰ ਸਾਡਾ ਅਸਤੀਫਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੁੱਟ ਖਤਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੋਕ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਏ ਲੋਕ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਝੂਟ ਕੀ ਹੈ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 5 June 2020 ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਐਡੀ ਕੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਭਿਅੰਕਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਬਿਨਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਐਡੀ ਕੀ ਜਲਦੀ ਸੀ ਐਡੀ ਕੀ ਆਫਤ ਆਈ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਵਿਅਸਤ ਹੈ ਆਪਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਓ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਜਿਵੇਂ ਰਾਈਸ ਜਿਵੇਂ ਛੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਟਾਕ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਕਿਸੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਉਹ ਲਿਮਿਟ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਏ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਇੰਨੀ ਸਟੋਰ ਕਰਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਣਕ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਰਾਈਸ ਇੰਨਾ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਕਣਕ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸਿੱਟਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖਰੀਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੋ ਸਟਾਕ ਕਰਨਗੇ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਅ ਸਿੱਟ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਅ ਬਣਾ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ ਸਟਾਕ ਬਿਗ ਬਾਇਰਸ ਆਉਣਗੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ ਬਾਹਰਲਾ ਟ੍ਰੇਡਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੰਡੀ ਮੋਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਚੱਲੂਗਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫਾਰਮਰ ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ
प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी कि प्रमोशन एंड, हाँ दूजा कानून है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, ये दूजा एक्ट लिया गया। मोदी सरकार कहती है कि इंटर स्टेट फ्री ट्रेड कर दो, कि जरा आसे पासे इतों असी ये चीज करता कि किसी होर स्टेट च ट्रेड फ्री करता, मतलब कि यह है कि पंजाब का किसान कितने भी जाके अपनी फसल बेच सकता है। ये कानून च पंजाब का किसान तो पहला भी कितने जाके बेच सकता है। असी मैं मुक्तसर बॉर्डर ना रहना, असी डब वाली च जाके साडे किसान फसल बेचते हैं, कई हरियाणा के लोग आके सानू बेच देंगे, और की गल है, की नवा गल, मैनू नहीं लगता भी ये कोई नवी गल पैदा की है। दूजी गल है 2015-16 संसद कहता है कि इंडिया का 86.2 किसान 2 एकड़ तो घट है, 86%, यानी कि 86% 86.2 किसान जड़ा है वो 2 एकड़ तो घट है। कि ये किसान लिए पॉसिबल है कि वह कर्नाटका जाके आपकी फसल बेच दे, वो तो आपके आपकी स्टेट ही बेचूगा ना। 86% जो लोग है ना, वो 2 एकड़ तो घट है, सेंसेक कहता है, मैं नहीं कहता। ये 2015-16 का जोड़ा सर्वे होया और दसाया गया कि 86.2 जेडे बंदे है किसान है 2 एकड़ वाले है, 2 एकड़ तो घट आए। कि यह किसान किसी होर सूबे जाके अपनी फसल बेच सकता है? नहीं, खर्चा पै जाएगा, वो कौन लेके जाऊगा ट्राली, वह तो रख नहीं सकता फसल, क्योंकि उन्हें लैंड देनिया देनिया होंगे ला देना फसल बेचता है। 86% लोग फसल नूं आपके कोले रख सकते नहीं, वो तो जो फसल आ गई मंडी चो सीधी किसान खेत चो कढ़दा ते मंडी लेके जाता, क्योंकि उन्होंने जे ट्राली ते रखनी पै जाए खर्चा, घरे लाउणा पै जाए, फिर दुबारे ट्राली भरनी पै जाए, तो खर्चा पै जाता है 2-4 हज़ार रुपया, क्योंकि दिहाड़ियां लग जांदियां, लेबर लग जांदी है। सो एरी कोई कानून की लोड़ नहीं सी, ऑलरेडी कितने भी जिहड़ा सक्षम किसान है, वड्डा किसान है, वह वेचते जिते मर्जी, पर 86% वाला वेच ही नहीं सकता। दरअसल सच तो यह है कि मोदी सरकार स्टेट मंडी बोर्ड को खत्म करना चाहती है। रौला की है, इस एक्ट को क्यों बनाया? क्योंकि यह तो पहले ही है, वड्डा किसान कितने मर्जी जाके बेच दे, पर एक्ट क्यों लिया गया? इस करके लिया रहा कि मंडी बोर्ड को खत्म करना चाहती है, ताकि खेती एग्रीकल्चर ते स्टेट सरकार का कोई कंट्रोल ना रहे, कंट्रोल उन्होंने खत्म हो जाए। पहला हूं साडा कंट्रोल है, जे कोई बाहर बायर आएगा और ते मंडी चेक रखेगी और ते साडा कंट्रोल है, वो खत्म कर दिते रहे अते सरकारी खरीद खत्म हो जाए, सरकारी खरीद खत्म हो जाए। क्लॉज 6 ऑफ दिस एक्ट, फ्री ट्रेड ऑफ पेइंग एनी मार्केट फीस, भी कोई फ्री ट्रेड है ये, कोई वड्डा बायर आवे वो थोड़े सूबे च आवे उन्हों कोई नहीं बुला सकता, ना उन्हों कोई उरे तो फीस ले सकता है, ना उरे नाल कोई गल कर सकता है, ना ही उरे ते कंट्रोल रह सकता, भावें कि तो अडानी आवे तो सारा समान लेके इतों आओ। इन्हां दोनों ऑर्डिनेंस नूं मिला के देखते हैं कि इन्हां दा मतलब की है, इन्हां दोनों का मतलब की होया, समझ रहे हो? नहीं समझ, मैं समझाना है जिनी कि मैनूं जानकारी है, पूरा ज्ञान तो मैनूं नहीं। सरकारी खरीद खत्म होने दे कणक ते झोने की सही कीमत नहीं मिलेगी, MSP, किसान बाकी फसलों की तरह MSP तो घट रेटा ते वेचेगा, क्योंकि सरकार का कंट्रोल नहीं होगा। जो सरकार का कंट्रोल टुट गया, जो मंडी बोर्ड को पासे कर दिता गया, जो मंडी फ्री ट्रेड हो गया कि बाहरले प्रदेश का कोई वड्डा व्यापारी आके सारिया मंडिया एक एक करने आपका बंदा छड़ देना है, वो सारी मंडी खरीद लिया कर, जिवें कि हुण कॉटन है MSP। अज नरेंद्र मोदी जी का बयान आया, नरेंद्र मोदी जी ने की ट्वीट किया, उन्होंने क्या है, उन्होंने कहा कि मैं पहला भी क्या सी ते एक बार फिर कहना हाँ, पंजाबी च क्या है, क्योंकि हरसिमरत कौर जी ने उन्होंने ये सलाह दी होनी है, MSP दा व्यवस्था जारी रहेगी, कि MSP जारी रहेगी, ये नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया। हुण मैं थोनू कहना दसना चाहना कि MSP मतलब
कि सरकारी खरीद है, गन्ने की भी हैगी है, छोलियां की भी हैगी है, सरों की भी हैगी है, लेकिन थानू यह पता कणक से भी हैगी है, झोने से भी है। थानू यह पता होना चाहिए है कि पिछले साल की गल करा कि नरमा यानी कि कॉटन का रेट 5400 रुपए पिछले साल सरकारी रेट से जिन्हों CCI कहने जिन्हों आमी है, लेकिन CCI का कंट्रोल वो लेट आती है तो किसान का नरमा मुक्सर के लोगों का नरमा 5000 रुपए विकया, यानी कि 400 रुपए सरकारी रेट तो घट थोड़ा नरमा पिछली वारी पंजाब दियां मंडियां दे विच विकया। तो CCI ने किन्ना क लिया? थोड़ा जा, वो तो एक जानबूझ के रखी है CCI कि सरकारी खरीद सरकारी रेट पर खरीदी है, नहीं इदा ही वो झोना करना चाहती है, इदा ही वो कणक करना चाहती है कि जदों नूं सरकारी तोड़नगे नहीं लेकिन थानू इन्ना तोड़ देंगे। किसान 4 महीने आपकी फसल आपके स्टोर च नहीं रख सकता, किसान ने तो ताजी वढ़नी है, मंडी च लियानी है, एकदम बेचनी है, भाव मिलना चाहिए, नहीं तो खर्चे बेशनाम खर्चे पै जाएंगे, जिन्हों को ब्याज पर पैसा फड़िया उन्होंने ब्याज उन्ना पै जाएगा। नरमा क्यों नहीं स्टोर करता किसान? उसका कारण की है? उसका कारण यह है कि नरमा सुक भी जाता है। दूजा कारण की है कि वह 3 महीने नरमे आपके घर नहीं रख सकता क्योंकि आड़ती का उन्ना ब्याज पै जाता है, उन्हें आपकी कुड़ी का ब्याह करना है, उन्हें आपके मुंडे का ब्याह करना है, सो उन्होंने 5000 रुपए नरमा और मजबूरी है बेचना, सरकारी खरीद आनी नहीं टाइम से, इदा ही ये करना चाहते हैं FCI करना चाहते। सो दूजा ये है कि वड्डे ट्रेडर घट रेट से खरीद के स्टोर कर लिया करेंगे क्योंकि वो कंट्रोल नहीं होएगा, उही जिन्नी मर्जी क्योंकि इनू हुण एसेंशियल कॉमोडिट एक्ट चो आपां कढ़ता है, जिहड़ा पहला एक्ट है कि उन्हों उहदे चो कढ़ता क्योंकि वह जिन्ना मर्जी स्टोर कर लैन, वड्डे व्यापारी आउणगे फसलां स्टोर करनगे, तो स्टोर करने की खुल दी गई है भी जिन्ना मर्जी स्टोर कर लो, हुण इन्हां दे कोई कानून लागू नहीं होंदा। ये दो वड्डे खादसा जिहड़े आउणगे ते अडानी वर्गे पहला स्टॉक होल्ड करके रखणगे ता जो बाजार विच कीमतां तो वध जाण, जिस नाल ग्राहक नूं भी नुकसान हो जाऊगा। पुराना स्टॉक मार्केट विच सुट के रेट डाउन कर दिया करेंगे ते खरीद समय किसान तो डाउन घट रेट पर खरीद दिया करेंगे। जो पुराना स्टॉक मार्केट सिट गया सिट तो कौन लेगा? अगले तो कणक चाहिए, मतलब कणक चाहिए या राइस चाहिए चावल, तो जो पुराना स्टॉक ही इन्ना मार्केट आ गया, आप आलू जो ज्यादा आ जाए तो आलू मुड़के मंडिया च खुलता है, कोई नहीं पुछता आलू, वो सिटना पैदा। सो फिर सस्ते भाव च खरीदा करेंगे, फिर आपका ट्रेड करेंगे। सो कहन का भाव ये किसान नाल बड़ा वड्डा धोखा होया। अज एक भारतीय किसान यूनियन के पुराने लीडर मिस्टर मान ने उन्होंने बड़ी चंगा ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने एड्रैस किया कि तुसीं कह रहे हो कि MSP का व्यवस्था जारी रहेगी, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि MSP जारी रहेगी, सरकारी खरीद जारी रहेगी। जनाब उन्होंने कहा जनाब एक कानून होर ले आओ, वो कहते जो तुम 3 ऑर्डिनेंस पास करते तो एक कानून होर बना दो, अगर तुम MSP जारी रखना है, अगर तुम सच्चे हो तो तुम एक कानून होर लेके आओ। की कहते हैं मिस्टर मान कि जनाब एक कानून होर ले आओ तो MSP उत्ते खरीद कानूनी अधिकार बना दो, किसान गल ते यकीन कर लेगा, थोड़ी गल ते यकीन कर लेगा कि एक कानून बना दो। की कानून? कि MSP उत्ते खरीद MSP उत्ते खरीद कानून अधिकार बना दो, खरीद कानून अधिकार सरकारी मुल ते बना दो। जो तुम सरकारी मुल ते कानून बनाता फिर उस भाव तो जिहड़ा घट खरीदेगा उहदे ते कानून लागू हो जाएगा ते उहदे खिलाफ कार्रवाई होगी। बना दिओ तुसी ये ऑर्डिनेंस ले आओ पर एक कानून बनाओ
कि सरकारी खरीद तो कट, अगर कोई व्यक्ति रेट लेंदा प्राइवेट बायर अड़ानी आजे अबानी आजे लेंदा पता लग गया उन्हां ते मुकदमा दर्ज हो जाएगा, कानून बन जाएगा। यही साडा रौला है, साडा नरमा जो कोई 5000 खरीदेगा प्राइवेट बायर, सरकारी भा होगा 5400 रुपए, तो वो तो कानून लागू हो जाएगा। क्यों नहीं बनाते कानून, एक कानून भी बना दे। सो दोस्तों गल समझने वाली है, एक मंग रखो कि अगर ये ऑर्डिनेंस ज्यादा रोल बैक, अगर ये ऑर्डिनेंस तुसी जारी रखनी है तो कानून ये बनाओ कि सरकारी खरीद तो घट जिहड़ा खरीदेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाऊगी, एक कानून भी पार्लियामेंट दे विच ले आओ। सो दोस्तों ये थोड़े नाल ठगी चल रही है, सो तुसी देखिया ही होना है। राजदीप जी नाल First of all, Rajdeep, I am not calling it anti-pharma. It's the farmers who are calling it that. So let's get that clear. सुन लिया कि कहने राजदीप दसा ही है, वो कहते कि जो तुसी ऑर्डिनेंस ते साइन किए सी तुसी उदो ये एंटी फार्मर बिल क्यों नहीं किया, उदो साइन क्यों किए? तुसी कहने कि एक किसानों के खिलाफ बिल है, तुसी साइन करने वे क्यों नहीं किया जो तुसी साइन किए? हुण तुसी रिजाइन क्यों किया ते हुण तुसी कह रहे हो कि ये किसानों के खिलाफ बिल है, ते बीबी जी अगों अंग्रेजी च की कह रहे हैं? जिवें बीबी जी की आदत है अंग्रेजी नहीं बोलन दी, वो कह रहे हैं जिवें देयर इज अ टू सड़क विद टोआ, याद होना पहला आई सी डीसी साहब फोन कर रहे थे देयर इज बिग टोआ इन द सड़क। सो उदा ही बीबी जी ने की क्या कि मैं नहीं कह रही, अंग्रेजी च की कह दोबारे सुन लो, सुन लो हुण की कहो। First of all, Rajdeep, I am not calling it anti-pharma. It's the farmers who are calling it that. So let's get that clear. वो कहने कि मैं नहीं कह रही कि ये anti-farmer है, किसानों के खिलाफ ये जिहड़ा बिल है, ये कौन कह रहा है? कहने किसान कह रहे ने, किसान कह रहे, ये किसान कह रहे ने कि ये एंटी ए किसानों के खिलाफ का बिल है। सो मेरे दोस्तों बीबी हरसिमरत नहीं कह रही, सो ये मिले रहे हैं, ये चाहते हैं कि जो ये अग ठंडी हो जाएगी, पंजाब दे विच चोणां खत्म हो जाणियां, असी एनडीए का कह कि साथ देवांगे दोबारा, फिर असी मंत्री पद की अहुदे की पद मतलब अहुदे की सहु चुक लवांगे। सो ये मूर्ख बनाउंदा है, कई वारी होया पंजाब दे लोकां नूं मूर्ख बनाया। सो सॉरी, एक मैं करैक्शन भी करनी चाहना है कि 86.2 जिहड़ा मैं कहा थानू, दो हैक्टेयर यानी कि 5 एकड़ तो 86.2 जिहड़े किसान है परसेंट, वो 5 एकड़ तो या 5 एकड़ वाला या 5 एकड़ तो थले वाला, इतों वध जमीन है नहीं। मैं उत्थे 2 एकड़ कहता सी, वो 2 हैक्टेयर तो 2 हैक्टेयर मीनस 5 एकड़। तो पंजाब के अंदर सेंसस कहना, मैं नहीं कहता, जो सर्वे किया, सो 5 एकड़ वाला किसान इधर उधर जाके मिले। सो मेरी थानू बेनती है, हाथ जोड़ के लड़ाई लड़ते रहो, और मेरी तमाम पंजाब के लोगों व्यापारियों किसान लगे तमाम किसान वीर नौकरी पेशा लोगों छोटे छोटे दुकानदार लोगों, क्योंकि तुसी सारे खेती ना जुड़े हो, अगर किसान मर जाएगा तो असी सब लोग मर जाएंगे। सो आओ इस बिल का विरोध करिए, तेरे नाल डट के आपां इस कानून के खिलाफ खड़ी है। कल याद रखना है, मैं तमाम लोगों को कहना चाहना है कि पंजाब के अंदर
हर पिंड दे अंदर, हर शहर दे अंदर, हर कस्बे दे अंदर कांग्रेस पार्टी दे दिशा निर्देश दे सदके, क्योंकि असी इस कानून दे खिलाफ हाँ। मुख्यमंत्री साहब दे आदेश है, साढ़े प्रधान साहब दे आदेश है, सानू असी किसान दे नाल खड़े हैं, और सब तो पहला सानू साड़ी जमीर कहती है कि सानू किसान दे नाल खड़े रहना चाहिए। हर पिंड लैवल ते वधिया तरीके नाल किसान भरावां नू नाल लैके, किसान यूनियन ते जथेबंदियां दे लोगों नू नाल लैके आपां तमाम लोगों ने एक घंटे वास्ते हिंदुस्तान की सरकार के खिलाफ असी इस काले कानून वापस लैण वास्ते उन्होंने कहना है, तो आपकी आवाज उन्होंने तक पहुँचानी है। थोड़ा सारे का धन्यवाद, और मैं उम्मीद कर रहा कि तुसी सब लोग इस कानून के खिलाफ लड़ाई करो। T5 चैनल पंजाबी हुणे सब्सक्राइब करो, बैल आइकन पे क्लिक करो।